नमस्कार दोस्तों, मैं जया रावल आज आपके बीच एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको एमएलएम और नेटवर्किंग भी कहते हैं। एमएलएम नेटवर्किंग की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है कि मेंबर बनाने वाला या चेन वाला सिस्टम होगा, पर सही में नेटवर्किंग यानी जो कोई भी अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे बड़ा हो या छोटा, जैसे दूध वाला, पेपर वाला, किराने वाला, डॉक्टर वगैरह, उनके जितने भी कस्टमर है वो उनका नेटवर्क है, और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा बिजनेस। को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विस्तार से बताती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग अपना दिमाग लगाए बिना 2 से 5 सालों में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी नौकरी को ही अपना कैरियर समझकर अपनी समझदारी नहीं छोड़ते। तो एक बार अपनी समझदारी को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे सक्सेस पा सकते हैं, तो आइए विस्तार से जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कोई प्रोडक्ट जब बनता है वहां से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर पेन, ये मार्कर पेन की कीमत है 40 रुपए और इस पेन का मैन्युफैक्चर रेट होगा 10 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कम कैसे, तो मैन्युफैक्चर से लेकर डायरेक्ट हम तक ये पेन पहुंचाने के लिए पूरी एक चेन बनी हुई। जैसे कि मैन्युफैक्चर से डीलर्स, डीलर्स से सब डीलर्स, सब डीलर्स से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर और शॉपकीपर से कस्टमर, जिनके अंदर प्रोडक्ट का 50% तक बढ़ जाता है और 25% तक प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग में खर्च हो जाता है। तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके 75% तक कमा सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, आज विदेशों के कई देशों में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से 50% तक लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में पिछले 40-50 सालों से डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं और लाखों लोग इनकी डिग्रियां भी पा चुके हैं। विदेशों की गवर्नमेंट ने कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए हुए हैं और उसे फॉलो भी किया जाता है, और हमारे देश में सिर्फ 1% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पर आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया का फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि हमारे देश की गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशन बनाने में जुड़ी हुई है। आने वाले 2020 से 2030 तक डायरेक्ट इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग जोर शोर से फैल जाएगा। पिछले 4-5 साल के कर्नाटका राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कराई जा रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 1 साल से बिजनेस मैनेजमेंट में डायरेक्ट सेलिंग की स्टडी कराई जा रही है। आने वाले कुछ समय में हमारे बच्चों के हाथों में भी डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रियां होगी। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस कैसे पाए। कई लोग इस सिस्टम को समझ के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आइए हम भी इस सिस्टम को चार्ट के माध्यम से। ये आपका वर्क रहेगा और यह आपका इनकम रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जुड़े हुए हो और वर्क कर रहे हो तो 1 से 6 महीने में काम करने पर आपको 99% तक वर्क करना पड़ेगा और 1% तक आपको आपकी इनकम दिखेगी। 6 महीने से 1 साल तक अगर आप काम करते हो तो आपको 70% वर्क करना पड़ेगा और 30% इनकम दिखेगी। वैसे ही आप 1 से 2 साल तक डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो तो आपको 50% तक वर्क करना पड़ेगा और 50% तक आपकी इनकम दिखेगी। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 2 से 3 साल तक वर्क करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30% तक वर्क करना है और 70% तक आपको इनकम दिखेगी। वैसे ही 3 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे 1% वर्क करना है और 99% इनकम दिखेगी। लोग जुड़ते हैं, 6 महीने तक काम करते हैं और उनको अपने मेहनत का फल नहीं मिल पाता, वजह से मायूस होकर यहाँ से निकल जाते हैं।
और ज्यादातर लोगों को निकलने की मायूस होने की जरूरत नहीं और टीके रहने की जरूरत। को मेरा ये कहना है कि आप इस सिस्टम को समझे और एंड तक टीके रहे। आज यहाँ पर लाखों लोग टीके हुए हैं और करोड़ों की इनकम बना रहे हैं, तो आप भी यहाँ तक टीके रहे और करोड़ों की इनकम बनाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने से पहले सक्सेस होने के लिए इन पांच बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आता है कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा आता है कंपनी के प्रोडक्ट, तीसरा आता है कंपनी का प्लान, चौथा आता है कंपनी का पे आउट और पांचवा आता है कंपनी के प्रमोटर।